स्टार प्लस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांझ पियाजी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न। शो में उमा शंकर और कनक के बीच चल रहा है क्लैश। कनक ने अपना ड्यूअल पर्सनालिटी गेम सीता और गीता खेलना शुरू कर दिया है। बेहोश होने का ड्रामा करने के बाद कनक किचन में जाती है कुछ खाने को ढूंढने के लिए और ये सुनकर शॉक हो जाती है जब सरस्वती और नंदा उसे नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने की टाइमिंग बताते हैं। इस टाइमिंग के अलावा किसी को भी खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर मयंक के पेरेंट्स भाभो से मिलने आते हैं और भाभो को ह्यूमिलिएट करते हैं कि उन्होंने कनक को अच्छी परवरिश नहीं दी है और ये बात सुनकर भाभो की आंखों में आंसू भर आते हैं। वेद और वंश खड़े होकर भाभो की इंसल्ट देखते हैं और वो दोनों हेल्पलेस हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। कनक उमा शंकर को झूठ बोलती है कि वो मंदिर जा रही है लेकिन वो एक स्टॉल पर खड़ी होकर कुछ खाती रहती है। जब उमा शंकर को कनक के झूठ के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? शो के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार प्लस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांझ पियाजी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न। शो में उमा शंकर और कनक के बीच चल रहा है क्लैश। कनक ने अपना ड्यूअल पर्सनालिटी गेम सीता और गीता खेलना शुरू कर दिया है। बेहोश होने का ड्रामा करने के बाद कनक किचन में जाती है कुछ खाने को ढूंढने के लिए और ये सुनकर शॉक हो जाती है जब सरस्वती और नंदा उसे नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने की टाइमिंग बताते हैं। इस टाइमिंग के अलावा किसी को भी खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर मयंक के पेरेंट्स भाभो से मिलने आते हैं और भाभो को ह्यूमिलिएट करते हैं कि उन्होंने कनक को अच्छी परवरिश नहीं दी है और ये बात सुनकर भाभो की आंखों में आंसू भर आते हैं। वेद और वंश खड़े होकर भाभो की इंसल्ट देखते हैं और वो दोनों हेल्पलेस हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। कनक उमा शंकर को झूठ बोलती है कि वो मंदिर जा रही है लेकिन वो एक स्टॉल पर खड़ी होकर कुछ खाती रहती है। जब उमा शंकर को कनक के झूठ के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? शो के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।